तो लाइव विद मोहित स्टार्ट हो चुका है। सॉरी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं स्टूडियो आया हुआ था, स्टूडियो आया था, और मेरे साथ में बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। मेरे साथ में मेरा बहुत ही प्यारा सा भाई है, वो दोस्त है जिसने अभी जो आपको मतलब बहुत पसंद आ रहा है ना गाना अकेले, उसका ट्रैक प्रोड्यूस किया है, और अपना आने वाला जो स्टोरी सॉन्ग है वहीं उसका भी ट्रैक वही प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरे साथ में है मेरे मेरे शानदार से दोस्त, बहुत ही स्वीट हार्ट पर्सन, और अपने गानों के प्रोड्यूसर वैभव पानी। Hey guys, what's up? तो वैभव, मैंने ना आज का टॉपिक डाला है, हाय एवरीवन। तो वैभव, मैंने आज का टॉपिक ये डाला है कि आज मैं हम दोनों सबको अपने नेक्स्ट स्टोरी सॉन्ग वहीं के बारे में कुछ इनसाइट्स देने वाले हैं। Absolutely. कुछ मतलब खास सीक्रेट बातें जो मतलब तुमको अभी तक पता नहीं चली है, क्योंकि इट्स बीन वन मंथ है ना वैभव, मतलब आई थिंक मोर देन अ मंथ। तो वैभव इसको ऐसे कर देते हैं, क्या है, रोटेट योर फोन व्हेन यू कैन। अरे यार रुको, इसको लैंडस्केप मोड में करने दो। हाँ दोनों आ गए। यू कांट टर्न योर फोन व्हाइल रिकॉर्डिंग। अरे यार चलो चलो, चल कोई बात नहीं, वो कोशिश कर रहे थे, नाकाम कोशिश। तो है ना, मैं और वैभव पिछले एक महीने से वहीं जो अपना स्टोरी सॉन्ग इस पे वर्क कर रहे हैं, और इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें तुमको बताएंगे। पर सबसे पहले तो हाय हेलो है जी सबको, जो जो भी कमेंट कर रहे हैं, जो जो भी लाइव हैं। प्रिंस शर्मा, प्रिंस श्यामी कह रहे हैं मेरा मेरा भी एक सॉन्ग प्रोड्यूस करवा दो मोहित भाई। वैभव पानी को कांटेक्ट कीजिए, आप इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम वैभव पानी, आपका वैभव पानी नाम से ही है, और है ना आप चेक कर सकते हैं, आप इनको इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और करण कह रहे हैं हेलो वैभव भैया। हेलो, हाय करण, हाय हाय अकीदत, हायत, हाय निकिता गुए। तो जितने भी लाइव है उन सबको पहले तो बहुत सारा हाय, हम दोनों की तरफ से बहुत सारा वेलकम है जी। और अब टॉपिक पर वापस आते हुए, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आज जो अपना अपकमिंग स्टोरी सॉन्ग है वहीं उसके बारे में मैं और वैभव आपको कुछ इनसाइट्स देंगे। पर उससे पहले चलो पहले मैं बताता हूँ वहीं के बारे में, वहीं सॉन्ग के बारे में। तो ये सॉन्ग मैंने तब बनाया था, आज से शायद 2 महीने पहले, उस फील में जब मैं अपने कुछ बहुत ही प्यारे दोस्त थे, वैभव मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो लाइफ के, उन दोनों के साथ में बैठा हुआ था और हम ऐसी कुछ ऐसी चिल मार रहे थे। और सडनली क्या हुआ, मुझे किसी पे मतलब बहुत बड़ा क्रश है, तो मुझे उसकी याद आ रही थी, और याद आ रही थी तो इतनी मतलब ज़्यादा एकदम से याद आई कि ऐसा लगा कि मैं उस मोमेंट में होकर भी उस मोमेंट में नहीं हूँ, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में होकर भी उनके साथ में नहीं हूँ। तो एक एक बस एक लाइन मतलब दिल से निकली कि दिल तो वहीं है वहीं, और फिर मैं एकदम से उस जहाँ में हम सब बैठे हुए थे वहां से मैं उठ कर गया, मैं अपने रूम में गया वैभव, और मैंने खुद को लॉक कर लिया, और 2 घंटे तक मैं बस वहां पे बैठकर अपनी डायरी और पेन के साथ में ये सॉन्ग मतलब अपने आप ये लिखता रहा, और ये पूरा का पूरा सॉन्ग बन गया। और जब वो 2 घंटे से मेरे जो दोस्त थे वो मेरे को बार बार गेट नॉक कर रहे थे, पूछ रहे थे यार मोहित क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, एकदम से उठ कर क्यों भागा है हमको छोड़ के, हम तेरा वेट कर रहे हैं। तो फिर है ना, फिर जब मैंने 2 घंटे बाद ये गाना कंप्लीट हुआ, उसके बाद में मैं उनके पास में गया और मैंने उनको ये गाना सुनाया, और उन्होंने ये कहा कि मतलब उन्होंने, क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो उन्होंने मेरे ऑलमोस्ट सारे गाने सुन चुके हैं वैभव। और तो हुआ क्या कि जब मैंने उनको ये सॉन्ग सुनाया तो उन्होंने कहा कि ये तेरा अभी तक का बेस्ट सॉन्ग है, मतलब उनके लिए उनका फेवरेट सॉन्ग हो गया ये जो अभी तक मैंने जितने भी सॉन्ग्स बनाए उन सब में। तो ये सॉन्ग बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है, ये सॉन्ग तब आई फील कि आप सब तब आप उसे मतलब कनेक्ट कर पाएंगे जब आप भी किसी को मिस कर रहे होंगे। तो जब भी किसी को आप मिस कर रहे हो, आई मिस यू सोचा था मैंने इसका टैग लाइन की वहीं का, आई मिस यू, यानी जब भी किसी को याद कर रहे हो तो मतलब तुम ये गाना डेडिकेट कर सकते हो, ये गाना ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो वैभव अब अभी मैंने इस गाने के बारे में इनसाइट बता दी, अब वैभव बताएंगे कि इस गाने के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या विचार है, वो क्या सोचते हैं, और उनको कैसा, पहले पहले ये वैभव आप ये बताइए कि आपको वही सॉन्ग कैसा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई रिमेम्बर आई थिंक इट वाज सैटरडे मॉर्निंग आई थिंक वी हैड मेट
And yeah, when I heard the song, I was completely blown away. I mean, I wasn't expecting it, to be very honest, because obviously I have been following Mohit since quite a while, so I knew that he's given like such great compositions. But when I heard Vahin, I was like, okay, this is really interesting and this is a different challenge altogether. So बहुत मजा आ रहा है. We have been working on this, working really hard on this song. काफी time दिया है and thanks to all you lovely people for being patient with Mohit. And बहुत मजा आ रहा है and we are sure that you know this is one that will constantly be on loop on all of your playlists. और क्योंकि वैभव हमारे इस ये वैभव अपना जो पेज है ना, हाँ. ये मतलब ये अपनी फैमिली है. अरे वाह, तो इनको ये अपनी फैमिली है और फैमिली में अभी अब आप भी आ चुके हो लाइव चैट में, तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा हो. तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि वैभव ना सिर्फ बहुत ही अमेजिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर है, ना ही सिर्फ बहुत ही प्यारे इंसान है, बल्कि इनका खुद का बैंड है द येलो डायरीज, जो कि बहुत ही अमेजिंग बैंड है, बहुत ही अमेजिंग म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं उस बैंड के साथ में. उसके गिटारिस्ट भी हैं और कंपोजर भी हैं, और ये बहुत ही टैलेंटेड इंसान है. मतलब तुम अभी इसके बारे में अभी बस देखते जाओ कितने सारे गाने हम साथ में करने वाले हैं. तो वही सॉन्ग का मतलब थोड़ा सा ये इनसाइट था. और तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा प्ले कर सुनाए इनको सॉन्ग का. अभी अभी तो हम स्टूडियो में आए इसलिए थे क्योंकि मैं और वैभव वहीं पे वर्क कर रहे थे. और अगर अगर अभी नहीं, थोड़ा सा मतलब इनको इनको कुछ करने के लिए मैं चाहता हूँ कि मतलब आप सब कुछ करो, उसके बाद में आपको मतलब वहीं का ये थोड़ा सा इनसाइट हम सुनाए. तो उसके लिए मुझे अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो वाले स्माइली चाहिए, वो जो करने वाले, वो जो है ना, कौन सा कहते हैं उसको, इमोजी इमोजी कौन सा कहते हैं उसको, जो ऐसे जिसमें ऐसा मुंह जाता है ना. अगर ये वाला वो वाव वाला एक्सप्रेशन रहा ना सबका, अभी एक साथ वाव वाला एक्सप्रेशन रहा सबका, तो ही मैं सुनाऊंगा. मेरे को मतलब यहाँ सिर्फ वाव वाला एक्सप्रेशन दिखना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ वाव वाला एक्सप्रेशन हुआ तो मेरा सिर्फ आपको इनसाइट बताने का काम था, वो मैंने निभा दिया है. पर ये स्पेशल चीज है, तो अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ वाव एक्सप्रेशन दिखता है और वाव एक्सप्रेशन ओ वाव, तो वाव एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो इसलिए अब मैं आप सबको वहीं का थोड़ा सा सुनाते हैं, हम दोनों आपको सुनाते हैं वहीं कैसा साउंड कर रहा है. प्ले करें. लेट्स गो. खुशियों की दोपहर में ना जाने कैसा गम था, सब ज्यादा ही तो था, बस वही गम था. कमी उसकी बस मैं आपको इतना ही सुनाऊंगा. और अभी अभी हम दोनों अभी टाइम है, हम दोनों वापस इस सॉन्ग पे रिवर्क करने वाले हैं. इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, बहुत ही और खूबसूरत गाना बनाना है इस गाने को. तो अभी टाइम है हमारा जाने का. पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये सॉन्ग अपना यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा जब भी होगा, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए. आपको या तो लिंक मिल जाएगी मतलब अपने फेसबुक के बहुत सारे पोस्ट में, या फिर मैं अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल की लिंक जिसपे अभी अकेले लॉन्च हुआ है और सारे अपने स्टोरी सॉन्ग्स वहीं पे लॉन्च होने वाले हैं. तो गाइज ये था वहीं का छोटा सा ये मतलब आप कह सकते हो छोटा सा टीजर, या मतलब क्या टीजर ही कह लो. हाँ यार, तो मतलब बस मैं अभी इतना सुना है, पूरा सुनाने वाला हूँ जल्दी. मैं और वैभव आपके लिए ये सॉन्ग लेकर आ रहे हैं वहीं. आई होप आपको ये छोटा सा टीजर पसंद आया हो. पसंद आया तो प्लीज कमेंट करना. अभी तो हमें इस सॉन्ग पे वापस से वर्क करना पड़ेगा तो हम जा रहे हैं, लेकिन मैं जरूर कमेंट्स पढ़ूंगा. तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये, और इफ यू लाइक तो शेयर कर देना.
और YouTube चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लो क्योंकि अपन वहीं पे मिलने वाले हैं, ये सारे सॉन्ग आपको वहीं पे मिलने वाले हैं. ओके सो आई विल सी यू ऑल अगेन. लवी अग्रवाल कह रहे हैं दिस सॉन्ग इज अमेजिंग मोहित. थैंक यू लवी. पाप्या हाय. नेहा दुबे मोहब्बत को सेकंड लाइन इज ओनली यू. मोहब्बत का सेकंड लाइन. थैंक यू नेहा. थैंक यू. तानिया कह रही है वेटिंग ईगरली. तो चित्रांश कह रहा है हाँ मेरा दिल तो वहीं है वहीं. अरे यार इसने सुन रखा है ना ये अपना. हाँ इसने सुन रखा है ये गाना इसलिए इसको लाइन पता है. चित्रांश यार मतलब मजा किरकिरा कर रहा है. कोई ना इन सबको तो पूरी पोएम सुनाई है मैंने अभी, पूरा इसका इंट्रोडक्शन सब सुना दिया है. तो गाइज दोस्तों मेरे लाडलो तो अभी टाइम है हमारे जाने का और स्टे ट्यून वहीं जल्दी आने वाला है. बाय बाय टेक केयर बाय. I love you. We love you.